नमस्कार पापा, मेरा बेटा मुझे ज़्यादा प्यार करता है। मम्मी नहीं, मेरा बेटा मुझे ज़्यादा प्यार करता है। पापा अच्छा चलो, बेटों को चुपके से कंकड़ मारते हैं, वो डर करके जिसका नाम लेगा उसी से वह ज़्यादा प्यार करता है। मम्मी ठीक है। उन्होंने जैसे ही चिंटू को पत्थर मारा, चिंटू चिल्लाते हुए बोला, कौन है बाहर आ, तेरी खबर लेता हूँ। पापा यह कैसी माचिस लेकर आया है, सारी तिली जली हुई है। चिंटू, पापा मैं तो सारी तिली चेक करके ही लाया हूँ। पिंकी ने मास्टर जी से शिकायत करते हुए कहा कि पूरी क्लास उसे बुआ कहती है। मास्टर जी, जो भी पिंकी को बुआ कहते हैं सब खड़े हो जाओ। चिंटू को छोड़कर पूरी क्लास के बच्चे खड़े हो गए। मास्टर जी, शाबाश चिंटू, अब तुम बताओ सबको कि तुम इसे बुआ क्यों नहीं करते हो। चिंटू, क्योंकि मैं तो फूफा जी हूँ। मास्टर जी, एक तरफ पैसा दूसरी तरफ अकल, बताओ चिंटू तुम क्या चुनोगे। चिंटू, पैसा। मास्टर जी, गलत, मैं तो अकल चुनता। चिंटू, आपकी बात भी सही है, क्योंकि जिसके पास जो चीज नहीं होगी वो वही चुनेगा। मास्टर जी, चिंटू बताओ बिल्ली पूंछ क्यों हिलाती है। चिंटू, क्योंकि पूंछ बिल्ली की है। संता, कल रात पता नहीं हमारे पड़ोसी को क्या हुआ, आधी रात को आकर हमारा दरवाजा पीटने लगा। बंता, अच्छा फिर आपने क्या किया। संता, मैंने क्या करना था, मैं भी मस्ती से तबला बजाता रहा। कल एक बाबा मिले, मैंने पूछा कैसे हैं बाबा जी। बाबा जी बोले, हम तो साधु हैं बेटा, हमारा राम हमें जैसे रखते हैं हम वैसे ही रहते हैं, तुम तो सुखी हो ना बच्चा। मैं बोला, हम तो संसारी लोग हैं बाबा जी, हमारी सीता हमें जैसी रखती हैं हम वैसे ही रहते हैं।